हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह तस्कर पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही युवक से लग्जरी कार भी बरामद की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि भोटिया पड़ाव का रहने वाला अमनजोत पूर्व में भी शराब तस्करी में लिप्त था, जिसे एसओजी और पुलिस ने रंगे हाथ 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 2025 का कि नशा मुक्त उत्तराखंड करने का, उसी पे सारा फोकस है हमारा। इसी के तहत जो NDPS जो एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे चरस स्मैक हो, इनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्साइज के हैं, जो शराब संबंधी जितने भी मामले होते हैं, इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कल जो हुआ था, 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा, तो ये पूर्व में भी इस तरह की तस्करी करने जो अभियुक्त है वो कर चुका है, इस तरीके की उसका आपराधिक इतिहास है इस तरीके का, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक से अपील की आपने बात करी है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सप्लाई साइड पर तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन डिमांड साइड पर फोकस करना आपको भी करना पड़ेगा। अपने अपने परिवारों में बच्चों को मॉनिटर करें, उनके एक्टिविटीज़ को देखें, क्योंकि कोई भी बदलाव अगर होता है, अगर इस तरह की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या एल्कलॉइड्स की तरफ लोगों का झुकाव होता है, तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करती है, उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करता है। कृपया उस चीज़ को देखें, उसको मॉनिटर करें। समय से अगर आप लोग खुद एक्शन लेंगे तो कोई भी एक बच्चा नशे की गिरफ्त में जाने से बच सकता है।